नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं गरिमा भारती। बिहार सरकार का बड़ा फैसला निकल कर आया जिसमें ये कहा गया कि संविदा कर्मी कभी भी सरकारी कर्मचारी नहीं हो सकते। अगर उन्हें सरकारी कर्मचारी बनना है तो उन्हें नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, जो नॉर्मल प्रक्रिया है, उसमें शामिल होना पड़ेगा। भले ही जो पहले से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर उस पद पर काम कर रहे हैं उन्हें थोड़ा वेटेज दिया जाएगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की अवधि तब तक ही रहेगी जब तक सच में पेपर में लिखी जाएगी कि इतने दिन तक आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। यानी कि संविदा की प्रक्रिया तो बदल ही जा रही है, साथ ही साथ उसका जो समय है, उसकी जो अवधि है, वो भी सरकार खत्म करने जा रही है। इसको लेकर अब सियासी बवाल शुरू हो गया है। विपक्ष कह रहा है कि रोजगार देने वाली सरकार अब रोजगार छीन रही है। चुनाव के वक्त वादा किया गया था कि 19 लाख रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार को छीना जा रहा है, आई वॉश किया जा रहा है। इस पर सत्ता पक्ष की तरफ से भी बयान आया है, उनकी तरफ से भी जो स्पष्टीकरण है वो दिया गया है। आप विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के बयान सुनिए कि क्या कुछ कहा जा रहा है। बिहार सरकार ने जो ये फैसला लिया है ये सिर्फ आईवास है। जो संविदा पर बहाल कर्मी सेवा दे रहे हैं उनकी सेवा समाप्त कर देगी सरकार, फिर से संविदा पर ही बहाल करेगी 1 वर्षों के लिए। रोजगार देने के बदले सरकार तो रोजगार छीन रही है। आप रोजगार समाप्त कर रहे हैं। चुनाव के पहले बीजेपी ने कहा था 19 लाख रोजगार देंगे, इसका रोड मैप कहाँ है? सरकार इस पर क्या काम कर रही है ये बताना चाहिए। आप एक और संविदा कर्मी को समाप्त कर रहे हैं उनका रोजगार, दूसरी ओर फिर संविदा पर ही बहाल कर रहे हैं। 11 लाख लोगों को इसमें काम मिला हुआ है, वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो सरकार किसी न किसी तरह से इस पूरे मामले को उलझा रही है। ये सरकार का फैसला सरासर गलत है। सीधे 19 लाख रोजगार कहाँ है इस पर सरकार बताए अपना रोड मैप। देखिए, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के दौर में जो कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स हैं वो एक व्यवस्था बन चुकी है, और उस व्यवस्था के लिए कहीं ना कहीं कुछ रूल्स, रेगुलेशन और गाइडलाइन की भी आवश्यकता है। अब ऐसे में सरकार ने गाइडलाइंस तैयार किया जिसके तहत कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स दिए जाएंगे, और वैसी अगर किसी के भी ग्रीवांसेज है तो उसको बाद में मॉडिफाई करके उस ग्रीवांसेज को फुलफिल भी किया जा सकता है। इसमें कोई बाध्यता भी नहीं, और सरकार उनको नियमित जॉब्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट जॉब वालों को प्राथमिकता देने की भी बात कर रही है। फिलहाल इसका स्वागत होना चाहिए। मुझे हटाने की सूचना नहीं है अभी तक विधवत, लेकिन सरकार इतनी बहालियाँ करेगी कि अपने राज्य में बेरोजगारी नहीं रहेगी। शिक्षक के मामले में और भी बहुत सारी जो वैकेंसियाँ हैं सरकार बहाल कर दी है। बहाली होगी सर, एकदम ऐसा लगा है कि नहीं हुआ है। टीचर की बहाली हम ही लोग किए थे, इसके पहले वाला लोग किया। लगातार कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा भी। तो आपने विपक्ष की तरफ से आरजेडी की बातें सुनी। कहा गया कि सरकार आई वॉश करने की कोशिश कर रही है, पहले संविदा हटाएगी फिर 1 साल के लिए बहाली करेगी, आखिरकार ये हो क्या रहा है। वहीं दूसरी ओर आपने सत्ता पक्ष की भी बातें सुनी जहां पर बीजेपी और जेडीयू की तरफ से ये कहा गया कि सरकार इतनी नौकरियां देंगी कि ये सारी चीज़ें आगे चलकर ठीक हो जाएंगी, और ये जो भी चीज़ें हो रही है वो सोच समझ कर कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद ही हो रही है। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।